की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जौनपुर और चंदौली में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अब पूर्वांचल की पहचान विकास से होती है, पहले माफियाओं से होती थी। उत्तर प्रदेश में भले ही चुनाव के 6 चरण पूरे हो गए हों, लेकिन अब आखिरी चरण की लड़ाई और तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सभी दिग्गज पूर्वांचल में घूम घूम कर प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जौनपुर और चंदौली में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब से यूपी में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से पूर्वांचल का भाग्योदय हो गया है, क्योंकि अब विकास के लिए पूर्वांचल जाना जा रहा है। पहले माफियाओं के चलते लोग पहचानते थे, अब पूरब के लोगों की आवाज गूंज रही है। साथियों, ये गोर परिवारवादी अभी भी कुछ नेताओं और माफिया से गठबंधन की पुरानी राजनीति में ही अटके पड़े हैं। हमारा गठबंधन जनता से होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपी की जनता बीजेपी के साथ है, इसलिए सभी चरणों में बीजेपी का पूरी तरह से समर्थन किया और 10 मार्च को बीजेपी की सरकार बननी तय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी प्रचंड जीत होने वाली है। भाई और बहनों, इस बार की होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। पूरा यूपी 10 मार्च को ही रंगे वाली होली मनाने वाला है। बहरहाल, सातवें चरण में 54 सीटों पर जनता अपना मतदान करेगी और इन सीटों के लिए राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत में जुटी हुई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री मोदी की आवाज पूर्वांचली कानों तक पहुंचकर कितनी कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और इस वक्त फर्रुखाबाद से एक बड़ी खबर।